पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में नामिका। देखिए, जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा हुआ है। आतंकियों द्वारा मारे गए दो बिहारी श्रमिक जो हैं, उनका पार्थिव शरीर मंगलवार की शाम पटना एयरपोर्ट पर लाया गया। देखिए, काफी बड़ी और काफी दुखद घटना घटी जिसमें कि दो बिहारियों की मौत हो गई। रविवार को अररिया के रहने वाले दो लोगों की कश्मीर में हत्या कर दी गई थी। मारे गए योगेंद्र ऋषिदेव जो कि 35 साल के थे और राजा ऋषिदेव का शव पटना एयरपोर्ट पहुंचा। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और साथ ही साथ श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर मौजूद रहे। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दी। तो देखिए, आपको बता दें कि अचानक से जो हादसा हुआ, परिवार जो था काफी सदमे में था। पटना एयरपोर्ट पर मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कश्मीर में जो घटना हुई है उससे हम लोग काफी ज्यादा दुखी हैं। आतंकवादियों ने ये जघन्य अपराध किया है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वहां के उपराज्यपाल से बात की है। केंद्र सरकार वहां पर ऑपरेशन चला करके आतंकवादियों को खत्म करने का काम जो है वो तेजी से शुरू कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि बहुत जल्द हम लोग जो है वो इसका बदला लेंगे। जिस तरीके से कश्मीर में धारा 370 हटाया गया, लंबे समय से कश्मीर पूरी तरह से शांत था, लेकिन फिर से बिहारियों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। इस पर केंद्र सरकार ने वहां सख्ती जो है वो शुरू कर दी है और जल्द ही आतंकवाद का खात्मा होगा। बिहार सरकार ने आश्रितों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा पहले ही की है। बिहार सरकार मृतकों के परिजनों को मदद करेगी। Thank you.